बिजनेस में दो तीन बिजनेस है, तीन बिजनेस के अंदर तीनों जगह अलग अलग आदमी सेट किए हुए हैं, तो कहीं से रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो मन में कभी आता है बाइंड अप कर दूँ, धोखा भी मिलता है, फिर बोलता हूँ कि चलो लड़का है क्या इतना क्यों बढ़ाता हूँ, फिर भी कहीं से ऑफर आ जाती है तो फिर मन नहीं चुकता है और चौथा भी बिजनेस शुरू करने का मन होता है। तो क्या करना चाहिए, एक ही बिजनेस करके बैठ जाना चाहिए या तीन जगह चाहिए? ऐसा है, तीन जगह पर आप तीन आदमी को सेट करते हो फिर वो आदमी धोखा देंगे ही। इस ज़माने में तो ऐसा है, सेठ अगर वहाँ नहीं हाजिर रहा तो फिर जो आदमी वहाँ नौकर कहो कि मैनेजर कहो उसको तो मजा ही हो जाएगी, चोरी बहुत हो जाती है फिर। इसीलिए एक ही करो, अच्छा करो और शांति से जियो। खाने पीने का तो मिलता है ना एक बिजनेस में से। नहीं, वो ये जब जो भी होता है ये सब प्रारब्ध के हिसाब से सब सेटिंग होती है, कोई ले जाता है करता है कि मेरी ये इच्छा और वासना के वजह से, लोभ के वजह से ये हो रहा है। मेन तो मूल हमारा तो है यही, प्रारब्ध में लेके आया है लोभ और वासना ये सब। अभी उसको उसका हिसाब खाली करो, उस पर हम जागृति से जाओ, वो सोचो कि इससे हम कुछ फ़ायदा नहीं है तो अभी ये बंद करो। हमें एज फैक्टर भी थोड़ा काम करती है, चलो फिजिकल अभी अटेंडेंस नहीं रहती है, फिजिकल अटेंडेंस सब जगह तो रहेगी नहीं, लेकिन तो अभी वाइंड अप करके फिक्स इनकम करके वो जीवन जीना चाहिए कि अभी भी उसके अंदर पढ़ के और इन्वॉल्व होना चाहिए बिजनेस? इन्वॉल्व होने में कोई मज़ा नहीं है। आप सक करा इतना बढ़ाते गए, तीन चार बिजनेस बढ़ाते गए, फिर भी जिधर देखो उधर आपको तो नुकसान ही हुआ और मिलने के बजाय जा रहे हैं। और दिमाग पे जो टेंशन होता है जब पता चलता है कि दूसरे नंबर के बिजनेस में से ही मैनेजर इतना पैसा खा गया, तीसरे बिजनेस में इतना दगा हुआ, चौथे पे इतना दगा हुआ, तो फिर अपने दिमाग पर कितना बुरा असर होता है कि हाइपरटेंशन रहता ही है मोस्टली। लो फिर हो जाएगा स्ट्रोक आ जाएगा और फिर हो जाएगा बिस्तर में, सारे बिजनेस बिस्तर में करो। उससे बेटर है एक ही बिजनेस करो, शांति से करो, जितना हमारे से ध्यान दे सकते हो आप उस बिजनेस पे, आप अटेंशन जितना दे सकते हो उतना दो, अटेंडेंस दो, प्रॉपर करो और ऐसा बिजनेस करो कि हमको शांति से रात को नींद आ जाए, हमारी नींद डिस्टर्ब ना हो, उतना बिजनेस करना। समझ में आया ना? और रोटी दाल तो मिलती है कि नहीं मिलती है आपको? बहुत अच्छा मिल रहा है वैसे भी, तो फिर ज़्यादा करके क्या तो मन मन में ऐसा समझो, आज भी कल भी कहीं से ऑफर आई तो मेरे मन निकल गया कि हाँ चलो हम ये इन्वेस्ट करते हैं, तो ये मन की रुकावट जो है, इतनी डिमांड्स भी नहीं है इतना। लोभ 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 की ग्रंथि है ना, वो आपको उसके और खींच जाती है। बिजनेस कोई जरा सा बात करे कह रही ये बिजनेस बहुत अच्छा है, एक के दस होने वाले हैं, तो तुरंत ही वहाँ टूट जाते हैं, भाग जिधर देखो उधर कूद पड़ते हैं, वो लोभ है लोभ। हाँ, फिर उसका तो नतीजा बुरा तो आता ही है कभी ना कभी। समझ में आया ना? एक भाई थे, उसको ऐसा ही था, जितने बिजनेस मिले उतने में कूदता था, कोई भी जरा सजेस्ट करने आया कि ये बिजनेस अच्छा है तो किधर से उधर से लोन पर पैसे लेके आते थे, इतना इतना कर्ज करते थे, इतना कर्ज करते थे, करोड़ रुपए तक कर्ज कर डाला, इतने बिजनेस करे फिर भी उसमें कहीं सक्सेस नहीं मिला। जिधर देखो जिधर जिसको उसने जो बिजनेस लेके आता था वो इसका पार्टनर होता था और वही सब साफ कर जाता था। तो फिर दादाजी ने उसको कहा एक बार, कह रही ये तेरा लोभ तुझे है परेशान करता है, 1 करोड़ रुपए ये धंधे में नहीं डालता था और आराम से बैठ के खाता था तो क्या शांति भी रहती थी और धर्म भी कर पाता था, ये तो ये भी नहीं हुआ वो भी नहीं हुआ, कर्जा बढ़ते गया वो ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज भी चलते चढ़ते गया और परेशान 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 हाइपरटेंशन, सारी बीमारियाँ पैसे के पीछे दौड़ते हैं, लक्ष्मी जी के पीछे दौड़ते हैं, ऐसे दौड़ते ऐसे दौड़ते हैं। अरे लक्ष्मी जी के पीछे ऐसे थोड़ी दौड़ना चाहिए, लक्ष्मी कौन है आप उसे पहचानते हो? वो तो नारायण की पत्नी है। और आप जैसे अपनी कोई गर्लफ्रेंड है इसी तरह से उसके पीछे दौड़ते हो,
उससे दौड़ते ऐसे उसको उसको हासिल करके रहो, उसको पाके रहो, उसको लेकर ही जाऊँ मेरे घर पे, ऐसे उसके पीछे दौड़ते हो। और लक्ष्मी जी भी कुछ कम नहीं है, बहुत होशियार है, बहुत स्मार्ट, ओवर स्मार्ट है, आपसे तो कई गुना ज़्यादा स्मार्ट है। वो भी क्या करती है, आपको बहुत दौड़ाती है, इसी दौड़ाती है, इसी दौड़ाती है, आप भी दौड़ते 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 उसके पीछे दौड़ते हैं, तो कहीं आकर फिर लक्ष्मी जी ऐसी बुद्धि इधर उधर जरा छुप जाती है ना, तो आप ढूंढते ढूंढते घबरा के फड़ करके गिर जाते हैं। फिर आपको लगे जाने दो, भी दौड़ना नहीं लक्ष्मी के पीछे। उतने में लक्ष्मी जी कहीं से भी आके देख आ जाती है आपके सामने, और यूँ मुड़ के आपके सामने देखे यूँ आँख मराती है, ऐसी आँख मारती है, तो आप फिर परेशान होकर उसके पीछे दौड़ते, अरे अब तो मेरे को बुला रही, मुझे जाना ही पड़ेगा। फिर दौड़ते 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 फिर जरा से खड़े रह जाए, फिर गिर जाते हैं। यह सब नींद आपके सब खून खून हो जाते हैं, सब चमड़ी निकल जाती, फिर भी दौड़ते। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी कुछ कम नहीं है, गिरते हैं ना तो आप अभी नहीं दौड़ना है, ये कुछ हाथ में नहीं आने, तो जरा सा यूँ आँख मारती है, फिर दौड़ो 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 इसका कोई अंत नहीं है। उससे बैठो अच्छे, पैर वैर भी तो आराम से रहेंगे, जो है सो आराम। आपके आपके पास जो भी कुछ लक्ष्मी आती हो, पिछले जन्म में आपने जितने पुण्य किए हैं, वो पुण्य का फल स्वरूप आपको इस जन्म में मिलती है। आप चाहे उल्टे होके दौड़ो या आराम से प्रयत्न कर, सहज प्रयत्न करके आप अपना काम करो, सब कुछ करो, आए नहीं आने वाले हैं आपके पास लक्ष्मी जी। इसके लिए आपने कुछ ऐसे दौड़ने की ज़रूरत नहीं, उसके पीछे पागल होने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आया ना। धन्यवाद, अभी आपके इशारे पे ही चलेंगे। हाँ जरूर, हमारा इशारा तो पक्का है। बैठ जाओ, एक धंधा करो, प्रेम से करो, शांति से करो। धन्यवाद। मैं पहली बार आई हूँ इधर, एक्चुअली मेरा पड़ोस में एक पड़ोसी है मेरा भाभी, उन्होंने आपके बारे में बताया है। तो एक्चुअली मेरा मम्मी ऑफ हो गई, 6 महीना हुई है, तो मम्मी हर टाइम मम्मी याद आती है मुझे। जब मैं सोने जाती हूँ तो भी मम्मी याद आती है, मैं खाना बनाती हूँ तो भी मम्मी याद आती है। पिछले 6 महीने से मैं इतना तक मतलब दुखी हो गई हूँ। फिर वो बाजू में जो मेरा पड़ोसी है भाभी जी, उनसे मैंने बात की, मैंने बोला ऐसा क्यों होता है मेरे को, फिर उन्होंने आपके बारे में बात बताई मुझे। फिर आपके जो प्रोग्राम है ना टीवी में, दिल्ली दूरदर्शन में आता है, वो मैं देखना चालू किया। तो मैं जो कहना चाहती थी मेरा मम्मी के बारे में, निरुमा आत्मा मरने के बाद आत्मा कहाँ जाते हैं, अरे ऐसा क्यों होता है? उनके साथ मेरा लगाव तो थे, मरने से पहले 2 महीना मेरे पास अहमदाबाद में आके रह के गए, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो मैं इस जो सच्चाई है इनको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, ऐसा लगता है मेरा मम्मी जिंदा है, मेरे पास है, ऐसा हर टाइम मैं दुखी होती हूँ। बच्चे कुछ अच्छा नहीं लगता है मुझे, ऐसा लगता है काश मेरा मम्मी इधर ही है। तो ऐसा क्यों लगता है निरुमा? अगर इधर ही ऐसा लगता है तो फिर दुखी होने की क्या जरूरत है, पास में ही है। पास में है, फिर मेरा हस्बैंड ने बोला आप ऐसा करो, आपको ऐसा हर रोज़ सपने में आते हैं मम्मी, 6 महीने से लगातार हर रोज़ सपने में बातें करते हैं, जैसा हम चलते फिरते ऐसा होता है। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे को सजेस्ट किया आप ऐसा करो, मम्मी जी को मंदिर में बिठाओ और पूजा करो उनकी। उसके बाद मैंने मम्मी को मंदिर में बिठाई आज 1 महीना से, फिर वो पूजा करने के बाद अभी नहीं आती है सपने में। तो मैं यही कह रही हूँ मरने के बाद आत्मा कहाँ चले जाते हैं? उसको तुरंत ही दूसरी योनि में जन्म मिल जाता है। अच्छा अच्छा, तो और नई जिंदगी शुरू हो जाती है, और पिछली जिंदगी की कोई बात उनके याददाश्त में नहीं रहती है। अच्छा। आप मम्मी मम्मी करके रोती हो, लेकिन मम्मी को आपके लिए कुछ नहीं होता है, पर्दा गिर जाता है, पूरा खत्म हो जाती है बात। हिसाब रहता है जितना एक दूसरे के साथ ऋणानुबंध कहते हैं ना, कर्मों का हिसाब, वो जब खत्म होता है तब मृत्यु आके अलग हो जाते हैं।
फिर जो ये जन्म के जो कर्म है उसके हिसाब से या नए जन्म में नई जिंदगी शुरू होती है। तो जो जाने के बाद हमारे साथ का रिश्ता ख़त्म हो जाता है, फिर कभी मिलने वाले नहीं हैं, मिले तो कोई पहचान भी नहीं सकते हैं। पहचान कैसे पाओगे? सपोज़ आपकी मम्मी आपके पड़ोस में ही पैदा होके आई तो आपको लगा कि मेरी मम्मी है करके आपको मम्मी मम्मी करने लगी, तो वो बेटी की मम्मी क्या कहेगी, अरे ये तो मेरी बेटी, तुम्हारी मम्मी कहाँ से आई, पागल हो गई है, ऐसा कहेगी। और ऐसे पहचान भी कैसे आएगी कि ये तो आपकी मम्मी है? कोई उसके लिए कोई निशान नहीं होता है, कोई एक्सेप्शनल को पता चलता है, बाकी तो ऐसा नॉर्मली कुछ ऐसा पता नहीं चलता है। और ख़त्म हो गया फिर रो धो के क्या फ़ायदा? जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, और उसके आत्मा के जाती है, आप कहते हैं स्थूल शरीर में मृत्यु होता है और उसको आप जला देते हैं, उसकी तो राख हो गई, वो फिर तो आने वाली नहीं है। और आपको सपने में दिखते हैं वो तो जो मम्मी थी, वो जो शरीर से जो रूप रंग से वही दिखती है ना, तो वह आपके चित्त में जो उसकी फ़ोटो गिर गई है ना, वो फ़ोटो ही दिखती है, वो रियल खुद तो आती नहीं है, वो शरीर कहाँ से रहा अभी तो उसके पास है ही नहीं, लेकिन चित्त से आपको वो आती है, आपका ही उसके साथ का जो हिसाब है वो सपने में आता है या इधर ही है ऐसा महसूस कराता है, वो आपकी खुद की ही फीलिंग है। मम्मी कुछ आती बाती नहीं है, उसको आने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई उसके पास तरीका भी नहीं है, समझ में आया ना? तो आपने मेरी मम्मी के बदलाए मंदिर में भगवान के जैसे विराजमान किया ने, आप पर मेरा पना छूट गया, तो आपका इतना कम हो गया उसके साथ का ममता, तो फिर सपने में बंद हो गया, समझ में आया ना? तो यह सारी चीज़ें करने के लिए हमें समझदारी की ज़रूरत है। ये रो धो के क्या फ़ायदा? रो धो के कुछ होता है? अगर रोने से मम्मी 6-6 महीने तक रोती है तो क्या रोने से मम्मी वापस आएगी? अगर आती है तो हम सारे लोग आपके साथ रोने लगेंगे उसको वापस लाने के लिए। आ सकेगी? आएगी मम्मी? नहीं आएगी। हाँ, आप खुद समझती होगे कोई किसी तरीके से वह वापस नहीं आ सकती है, तो फिर जहाँ है माँ उसको रहने दो। आप रो धो के उसके उसके अभी नए जीवन में उसके जीवन आत्मा को नए वहाँ क्यों उसको दुख पहुँचाती हो? हालांकि उसको कुछ पता नहीं कि कहाँ से दुख आता है, लेकिन आपके ये वाइब्रेशंस उसको जाते हैं दुख के, तो वहाँ उसको और कुछ नहीं मालूम होता है, लेकिन उसको वहाँ उसको बेचैनी लगती है, अंदर सफोकेशन लगता है। तो हम क्यों हमारे प्रिय में प्रिय जो माँ है उसको इस तरह से याद करके रो धो के क्यों उसको दुख पहुँचाए? उसको प्रेम से उसके आत्मा को प्रार्थना करो, जहाँ भी हो वहाँ सुख शांति को पाओ, मोक्ष को पाओ, अध्यात्म में आगे बढ़ो, ऐसी प्रार्थना करे जाओ उनके आत्मा को। आत्मा थोड़ी मरते, आत्मा तो वह एक अमर है, अविनाशी है, कोई दूसरी योनि में गए, कोई अभी बड़े होकर किसी के और किसी के माँ बनेंगे, जो भी होगा उसका उस हिसाब से उनका चलेगा संबंध आगे का। हमारे पास एक लड़का आता था, ऐसे ही ब्रह्मचारी लड़का था, अभी भी है, यहाँ नहीं मुंबई में है। तो एक बार वो हमको कहने लगा कि मेरी मौसी और मेरे मौसा दोनों अमरेली में रहते हैं, रहते थे, मौसा तो अभी ऑफ हो गए, उनका देहांत हो गया, और मेरी मौसी बहुत रोती है, बहुत रोती रहा, अकेली है, दोनों अकेले ही थे, तो एकदम अकेली हो गई, तो इतनी रोती है, बहुत सब समझाते लेकिन वो मानती नहीं है। तो मैंने उसको बताया कि तू एक बार निरुमा के पास आ तो तेरा रोना धोना कम हो जाएगा, तुझे सब सच्ची बात समझ में आएगी। तो हाँ आऊँगी करके एक महीने के बाद सारी जो उसके पीछे की विधियाँ रहती है वो करके आई हमारे पास। अचानक रात को कुछ 10-10 बजे आई, हम तो बैठे थे, तो उसका भांजा लेके आया,
लड़का, आते ही वो मौसी तो रुतने जोर से चिल्ला के पोक बोल रख के रोने लगी जोर जोर से, मेरे पति चले गए, मुझे अकेली छोड़ के चले गए, अब मैं किसके सहारे जूं, मुझे बहुत याद आते हैं, ऐसे रात दिन मुझे रोना आता है। मैंने कहा कि ऐसे रो रो के क्या करोगी, तेरी सेहत खराब हो, सेहत तबीयत खराब हो जाएगी, फिर बुढ़ापे में कौन करेगा तुम्हारा कुछ। और वो चिल्लाने लगी, अरे क्या करूं, रो रो के मेरी आँखों का नूर भी ख़त्म हो गया, अभी मुझे कुछ दिखाई भी नहीं देता है, बहुत कम दिखाई देता है, बहुत रोने से आँख भी मेरी ख़राब हो। कुछ उसकी उम्र 72-73 साल की थी और उसके पति की 75 साल की थी। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा क्यों करते हो, रोते के रोने से क्या फ़ायदा, रोने से अगर वो वापस आते तो सब रोएंगे, चलो आएंगे तो कि नहीं। फिर उसको समझाया हमने, बहुत समझाया, लेकिन वो मानती नहीं थी, रोते ही जाती थी, वो समझती नहीं थी। कहती थी कि मैं कितना धर्म करती हूँ लेकिन अब क्या करूँ, मुझे तो धर्म में भी जीत नहीं लगता है, हर रोज़ मैं हम सब हमारे मोहल्ले की और लेडीज सब औरतें बैठ के हम सब गीता का पाठ करते थे। अरे हमने कहा क्या गीता का पाठ किया, कुछ उतरा नहीं दिमाग में, टाइम वेस्ट किया, तो कि क्या करूँ अभी तो मुझे कुछ नहीं सूझता है। हमने बहुत कहा कि अभी शांत रहो, बच करो, तो नहीं। फिर हमने कहा कि मौसी आप रोती है, अपने किसके लिए रोती है, अपने पति के लिए, पति को याद करके रोती है तो किस तरह से याद करती है, कि पति के मेरी दाल किसी अलावा किसी के हाथ की दाल पसंद नहीं थी, मेरे बगैर के उसको किसी का खाना पसंद नहीं था, हर चीज़ मेरे से ही वो लेते थे। अब वहाँ पर मैं नहीं हूँ तो मेरे बगैर उनका क्या होता होगा, कैसे जीते होंगे, कैसे खाते होंगे, क्या करते होंगे। उनको याद करके रोती है कि अपने स्वार्थ को याद करके रोती है कि अब वो चले गए, मैं अकेली होगी, अब मेरा क्या होगा। तो कहने हाँ ये बात तो सच है, मैं तो मेरे स्वार्थ से ही रोती हूँ, मुझे तो ऐसा ही सोच रात दिन यही दिमाग में आता है, ये तो चले गए लेकिन अच्छा व्हील अच्छी तरह से कुछ व्हील भी नहीं बनाया, अभी मैं सब जायदाद है उसका क्या होगा, वो चलते ही सब देवर है जेठ है ये सब मेरे पे चढ़ बैठे हैं सारी व्हील ये सब जायदाद के लिए। तो गए लेकिन कुछ वसीयत भी अच्छी तरह से करना था ना, लियो ये करके रोती है, वो गए उसके लिए नहीं अपने लिए। तो हाँ ऐसा ही है, मैं अपने स्वार्थ, सब कोई ऐसा ही रोता है बहन। तुमने कहा तो अपने आगे तो सब गलत है ना, स्वार्थ का ही रोते हैं। फिर भी वो कहने लगे, फिर भी रोती रहती, क्या करूँ मुझे बहुत याद आते हैं, मैं उनको भूल नहीं पाती हूँ। फिर हमने कहा ठीक है, अभी तुमसे रोना है तो रोते रहो, फिर क्या करें अभी, मन तुमको शांत होना ही नहीं, समझना ही नहीं, कहाँ तक रोगी उनको याद करके। तो कहने लगी मरते तक उनको याद, फिर उनको याद करके करते 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 मैं मर जाऊँगी। हमने कहा फिर उनके पास ही जाऊँगी, उनको याद करते करते मरूँगी तो उनके पास ही जाऊँगी। मैंने कहा हाँ वो तो गए, अभी 10-12 साल के बाद आप मर जाओगी उनको याद करते करते, फिर वो भी जब बड़े होंगे तब पहचानोगे एक दूसरे को। तो क्या मौसा आपकी राह देख के बैठे रहेगा कि दूसरी मौसी लेके बैठ गया होगा। तो कहने हाँ ये बात तो सच है, ये तो मुझे दिमाग में ही नहीं आया, वो मेरे लिए थोड़ी बैठे रहे होंगे, मुझे कहाँ से, मैं पहचानूंगी उसको कैसे पहचानूंगी, दूसरी मौसी के साथ लटर मटर करते होंगे वो तो।
मेरे रोने से क्या फ़ायदा, थोड़ी मिलने वाला है। सच बात है, अब मैं सब समझ गई निरुमा, मैं सब समझ गई, अब मैं नहीं रोऊंगी, अब मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी, मेरा सब मोह निकल गया। और सचमुच माँ से एकदम मुक्त हो गई, रोना धोना बंद हो गया। फिर हमारे पास थोड़े दिन ठहरी, ज्ञान लेके गई, और हर सत्संग में शिविर में जहाँ हो वहाँ आती थी। फिर तो कुछ साल के बाद वो भी चल बसी, पर लेकिन आनंद से मुक्त होकर गई ज्ञान के साथ। समझ में आया ना?